सबसे पहले आपको आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बीच की, ये जो है आपको, ये आप एक कागज़ पे लिख लीजिए। इसके बाद में ये बिटली बिटली पे क्लिक कीजिए। बिटली पे क्लिक करते ही इस तरह ये खुल जाएगा। ये खुल जाएगा, इस तरह का पेज खुल जाएगा आपके सामने। इसके बाद में अभी इसमें प्लीज वेट आ रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर शेयर का बटन है, शेयर पे क्लिक करना है। कॉपी लिंक कीजिए, कॉपी लिंक, लिंक कॉपीड हो गया। इसके बाद में अपने व्हाट्सएप पे आ जाइए। व्हाट्सएप पे आप अपने किसी नंबर पर इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, जिस तरह यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया इसको, ये कॉपी कर लिया। अब इस लिंक पे क्लिक कीजिए, फिर दीक्षा ऐप खुलेगा, इस पे क्लिक कीजिए। दीक्षा ऐप से ये आपका टेस्ट का लिंक खुल जाएगा, ये खुल गया। इस पे प्ले पे क्लिक कीजिए। अब इस तरह का विंडो आ जाएगा। अब आगे बढ़िए, नेक्स्ट से आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, इनको पढ़ते जाइए। अब इसके बाद में पार्टिसिपेंट्स इन्फॉर्मेशन, ये आते ही आप देखिए पार्टिसिपेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले पार्टिसिपेंट जेंडर, जिस तरह आपकी जो जेंडर है आप इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह आप ले सकते हो। जेंडर जिस तरह मेल या फीमेल, MALE जिस तरह मैंने लिखा मेल। और इसके बाद में पर यूडा स्कोर 231 90, 231 90, 622 412, ये भर दे। फिर बैक जाए, फिर पार्टिसिपेंट्स स्कूल्स नेम KV मंदसौर मैंने लिखा, KV मंद, इसको कैपिटल कर लीजिए, SAUR मंदसौर, KV मंदसौर लिख दिया। अब बैक जाइए अपने मोबाइल से। मीडियम ऑफ इंग्लिश ENG ENG LISH इंग्लिश लिख दीजिए, फिर बैक जाइए अपने मोबाइल से। सारी इन्फॉर्मेशन हो गई, अब नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए, अब फिर नेक्स्ट कीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। अब पहला ये यूनिट आ गया पेन ड्राइव, ये प्रश्न पढ़िए, वाही ETJ पेन ड्राइव, कैसे पेन ड्राइव। फिर ये आपके ऑप्शन आ गए, इसमें से कोई एक सही जो आंसर है उस पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़िए। फिर ये देखिए क्वेश्चन ऊपर देखिए, ये क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद इसको यहाँ से आप एक आंसर चूज कीजिए कोई सा भी, ये जिस तरह आंसर चूज किया। फिर क्वेश्चन पढ़िए तीसरा, फिर कोई भी आंसर चूज कीजिए एक, इस तरह आंसर चूज किया। फिर क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आंसर चूज कीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर चूज कीजिए। फिर आगे बढ़िए, दूसरा यूनिट आ गया, फिर आगे बढ़िए, इसको पढ़ लीजिए सारे को क्वेश्चन को, और फिर ये क्वेश्चन पढ़िए, उस पैराग्राफ में से जो क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक आंसर चूज कीजिए कोई सा भी जो सही है, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर चूज कीजिए। फिर आगे नेक्स्ट पढ़िए, फिर आठवां प्रश्न है इसको पढ़िए, फिर आंसर चूज कीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़िए, फिर नाइन्थ वाला क्वेश्चन है इसको पढ़िए, पूरा क्वेश्चन देखिए यहाँ से यहाँ तक है इसको पढ़िए। फिर ये ड्रॉप डाउन, इसको इसमें से एक आंसर चूज कीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर कोई एक आंसर चूज कीजिए। फिर तीसरा यूनिट आ गया, फिर आगे बढ़िए, इसको पढ़ते जाइए, ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन पढ़िए पूरा इस तरह पढ़िए।
पढ़ने के बाद समझ के एक कोई आंसर चूज कीजिए तो सही है, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर चूज कीजिए तो सही है, फिर आगे ये क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से, समझिए इसको, नेक्स्ट पढ़िए, फिर उस क्वेश्चन में से इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें से एक आंसर चूज कीजिए, फिर यूनिट 4 आ गया, आगे बढ़िए, इसको पढ़ते जाइए, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसका कोई एक आंसर चूज कीजिए, फिर एक क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसका आंसर चूज कीजिए, फिर एक क्वेश्चन पढ़िए, फिर इसका सही आंसर चूज कीजिए, फिर नेक्स्ट यूनिट 5, फिर इसके बाद इसको पढ़ते जाइए, इसको समझिए अच्छे से, इसके बाद नेक्स्ट 18 क्वेश्चन आ गया, इसमें से दो में से एक आंसर चूज कीजिए जो सही है, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें से एक आंसर चूज कीजिए जो सही है, ये क्वेश्चन पढ़िए, एक आंसर चूज कीजिए जो सही है, फिर यूनिट 6, फिर इसको पढ़िए अच्छे से, ये क्वेश्चन पढ़िए, ये देखिए ये काफ़ी बड़ा प्रश्न है, इसको अच्छे से पढ़िए, फिर इसके बाद आंसर सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको पढ़िए, रीड द इंफॉर्मेशन बिलो कंप्लीट, इसको पढ़िए, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आप उस पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन बनाएं, इसमें से चार ऑप्शन है, चार में से जो सही ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए इस तरह, और आगे बढ़िए, अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, फिर इसमें से जो सही आंसर है उस पर क्लिक कीजिए, एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए और जो सही आंसर है उस पर क्लिक कीजिए, आगे बढ़िए, फिर इसको पढ़िए, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, 24 में ये लिख रखा है एग्री डिसएग्री, आपको यहाँ पर एग्री और डिसएग्री लिखना पड़ेगा, इस तरह मैंने यहाँ लिखा AGREE एग्री, फिर मैं बैक गया मोबाइल से, यहाँ लिख दिया मैंने डिसएग्री DISAGREE, फिर मैं बैक गया, फिर यहाँ सब में लिखना है एग्री डिसएग्री, मैंने यहाँ पर एग्री लिख दिया, फिर मैं बैक गया, फिर ये सब में मैंने लिख दिया, देखो एग्री डिसएग्री एग्री, फिर आगे बढ़ा मैं 25 क्वेश्चन, तो नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, इसमें भी ये लिखा हुआ है यस और नो लिखना है आंसर में, जो ब्रेक इसमें जो यस नो दे रखा है, यस टाइप कर दिया, यस टाइप करते ही आप बैक जाओ मोबाइल से, फिर यहाँ पर जिस तरह मैंने नो कर दिया, आप बैक जाओ मोबाइल से, फिर यहाँ पर जिस तरह मैंने यस कर दिया, जो सही आंसर है आप बोलो, फिर बैक जाओ मोबाइल से, फिर यहाँ पर मैंने यस कर दिया जिस तरह, और फिर बैक जाओ अपने मोबाइल पर, और फिर ये सारे आंसर हो गए, देखिए मैंने यहाँ पर यस नो यस यस कर दिया, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ो, यूनिट 7 आ गई, फिर आगे नेक्स्ट बढ़ो, फिर आगे नेक्स्ट, फिर ये क्वेश्चन आ गया, इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में इसमें से चार ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर पे क्लिक करो और आगे बढ़ो, अब ये क्वेश्चन है, इसको पढ़िए, ये कंप्लीट क्वेश्चन, फिर बाद में ये भी पढ़िए, ये और इसमें से ये आंसर सेलेक्ट कीजिए जो सही है, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में सही आंसर सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, सही आंसर सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, सही आंसर सेलेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए, और फिर ये क्या है कि आपका स्कोर आ गया, स्कोर आते ही इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट आ गया, स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिए, धन्यवाद, स्क्रीनशॉट को शेयर कर दीजिए अपने क्लास टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में, इस तरह शेयर कर दीजिए, ये शेयर कर दिया, इसके बाद में ये आपका कंप्लीट हुआ टेस्ट।